देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। दुर्ग में 26 साल के युवक को बीच सड़क पर तलवार से हमला कर दिया। पीड़ित युवक चिल्लाता रहा, लेकिन तीनों युवकों ने उस पर तलवार से कई वार करके भाग निकले। घायल युवक को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग के राजीव नगर निवासी विजय चंद्राकर स्कूटी से अपने घर जा रहा था। वह जैसे ही परमेश्वर स्कूल के पास पहुंचा, उसे तीन लड़कों ने रोक लिया। इसमें सागर गुप्ता, शंकर साहू और एक नाबालिग लड़का शामिल है। तीनों ने पुराने विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर विजय से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इससे पहले विजय कुछ समझ पाता, तीनों ने डंडा, रॉड और तलवार लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। विजय जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन हैवानों को तरस भी नहीं आई। आखिरकार उसे तलवार से काट दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उसे देर रात अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक विजय चंद्राकर पर प्राणघातक हमला किया है, तलवार से और डंडे से जो है उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई है और आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 302 का। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।